आओ ना, चाले 100 रुपया दो, पेशेंट अंदर तड़प रहा है। अच्छा देख लो यार इधर ना, आप लाते नहीं, ये लोग लाते नहीं सर। ये वाली ट्रॉली थी वाइट, आपके सामने छीन ली उन्होंने, ये देख लो कैसे चेंज हो रहे हैं अब तो मैं ये लेके जाऊंगा सर। ये भी खासियत है एक हॉस्पिटल की, ये जो सफ़ेद चादर वाली ट्रॉली आप देख रहे हैं, ये किसी को देने के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए है। आइए ना आप, देखो सर कोई देखता ही नहीं है, खुद टेस्ट लेने जा रहे हैं, खुद रिपोर्ट लेने जा रहे हैं। आइए आइए, आपका आपको दिखा बिलावर से यहाँ पे हैं। तो हमें आए हुए यहाँ पे कुछ 7 दिन हो गए, तो पहले हम लोग यहाँ पे रात को 2 बजे पहुँचे, पहले तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी आप इनको प्रॉब्लम है हम इलाज करेंगे, यहाँ पे उन लोगों ने इनको रिटायर रखा, कोई कोविड टेस्ट नहीं किया। उसके बाद बार बार इंसिस्ट करने पे ये लोग सवेरे 11:30 के करीब आए कोविड टेस्ट करने के लिए। उसके बाद इन्होंने हमें रेफ़र कर दिया 7 नंबर वार्ड में, जो कि सर्जरी का वार्ड है, जहाँ पे कोविड पेशेंट और जो नॉर्मल पेशेंट सबको इकट्ठा रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वारंटाइन कर रहे हैं, आप एक सेकंड मेरे साथ चलिए वार्ड नंबर 7 में देखिए, वहाँ पे नॉर्मल पेशेंट भी और कोविड वाले पेशेंट भी सारे इकट्ठे रखे हुए हैं, कोई इनको आइसोलेशन में नहीं रखा जा रहा, कोविड वाले पेशेंट्स को कोई कुछ भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एक कैबिन में नॉर्मल पेशेंट है, एक कैबिन में कोविड का पेशेंट है, जितने भी अंदर पेशेंट है मिक्स है सारे। धक्के मारता है जब यहाँ ट्रॉली देने आना, उसके बाद जब ये शिफ्ट करते हैं वहाँ पे ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, नहीं नीचे ऑक्सीजन है, जब उसको जनरेटर लाइट बंद होती है, लाइट इतनी बंद होती है, जहाँ पे जनरेटर पे डालते हैं उसमें आधे कनेक्शन चलते नहीं है, इनके ऊपर देखो आधे बोर्ड बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है। कम से कम 14 दिन में मैंने कम से कम 20 बंदे दिखे हैं जो ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे हैं, और आज मेरे फादर साहब सुबह एक्सपायर हो गए हैं, और कम से कम उनके साथ 4 बंदे और एक्सपायर हुए हैं आज सुबह। क्या कारण, यही कि ऑक्सीजन नहीं है इनके पास। क्या क्या दिक्कत है? हम लोग 3 महीने से यहाँ पे सर, अभी पेशेंट को ऑपरेट को डॉक्टर भी देखने नहीं आता, कुछ नहीं तो ना कोई नर्स ढंग से बात करती है, तो यही सारी प्रॉब्लम है चालू। आप एक बार ऊपर आके देखो तो आपको खुद को वहाँ पे पता चलेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? यहाँ पे हम आए थे, मैं एक्चुअली, मेरा नाम अमन गुप्ता है, हम आए थे बिलावर से यहाँ पे, तो हमें आए हुए यहाँ पे कुछ 7 दिन हो गए, तो पहले हम लोग यहाँ पे रात को 2 बजे पहुँचे, पहले तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी आप इनको प्रॉब्लम है हम इलाज करेंगे, यहाँ पे उन लोगों ने इनको रिटायर रखा, कोई कोविड टेस्ट नहीं किया। उसके बाद बार बार इंसिस्ट करने पे ये लोग सवेरे 11:30 के करीब आए कोविड टेस्ट करने के लिए। उसके बाद इन्होंने हमें रेफ़र कर दिया 7 नंबर वार्ड में, जो कि सर्जरी का वार्ड है, जहाँ पे कोविड पेशेंट और जो नॉर्मल पेशेंट सबको इकट्ठा रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वारंटाइन कर रहे हैं, आप एक सेकंड मेरे साथ चलिए वार्ड नंबर 7 में देखिए, वहाँ पे नॉर्मल पेशेंट भी और कोविड वाले पेशेंट भी सारे इकट्ठे रखे हुए हैं, कोई इनको आइसोलेशन में नहीं रखा जा रहा, कोविड वाले पेशेंट्स को कोई कुछ भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इनको बोलते हैं सर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ये 12-1 बजे आते हैं ये इंजेक्शन इंजेक्ट करने के लिए। VVIPs को नारायणा भेज रहे हैं सर। मेरे हिसाब से सर यही लग रहा है कि आपने जितने भी VVIPs हैं, इनके ब्यूरोक्रेट जो भी हैं, इनको नारायणा भेज रहे हैं, आम लोग यहाँ पे सफर कर रहा है। बिल्कुल यही स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्थिति गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बनी हुई है। आज भटनागर जी आए हैं तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रीमलाइन नजर आएंगी, लेकिन इसके अलावा हालत क्या होती है GMC की, वो आप मेरी वीडियोज़ में अच्छे से देखते हैं। हाँ जी बताइए सर। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं 14 तारीख से जहाँ से हूँ, जहाँ पे तो इतना क्राउड होता है, जहाँ पे ये ट्रैली चादरें अभी इन्हें लगाई है, इधर था कुछ नहीं है। और अंदर जो पेशेंट है ना, मैं आपको बता दूँ, एक कैबिन में नॉर्मल पेशेंट है, एक कैबिन में कोविड का पेशेंट है, जितने भी अंदर पेशेंट है मिक्स है सारे। धक्के मारता है जब यहाँ ट्रॉली देने आना, उसके बाद जब ये शिफ्ट करते हैं वहाँ पे ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, नहीं नीचे ऑक्सीजन है, जब उसको जनरेटर लाइट बंद होती है, लाइट इतनी बंद होती है, जहाँ पे जनरेटर पे डालते हैं उसमें आधे कनेक्शन चलते नहीं है, इनके ऊपर देखो आधे बोर्ड बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है। कम से कम 14 दिन में मैंने कम से कम 20 बंदे दिखे हैं जो ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे हैं, और आज मेरे फादर साहब सुबह एक्सपायर हो गए हैं, और कम से कम उनके साथ 4 बंदे और एक्सपायर हुए हैं आज सुबह। क्या कारण, यही कि ऑक्सीजन नहीं है इनके पास, ऑक्सीजन की बात उनको चाहिए ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, ये हालात हैं इनके। और आते हैं बोलते हैं कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। सर ये बात है, मैं दिल्ली से आई हूँ, हम इलाज के लिए आए, एक बार आते आते को हमारे को इतना टाइम हो गया, 8-10 दिन होने लगे, एक बार ट्यूब गहरी गलत हो गई, दूसरी बारी गहरी गलत गहरी, तो ऐसा क्यों करते हैं हमें, भगा भगा के इधर से उधर से मारते हैं। और हमारे सर, मेरा नाम काव्या राजपूत है। क्या क्या दिक्कत है? हम लोग 3 महीने से यहाँ पे सर, अभी पेशेंट को ऑपरेट को डॉक्टर भी देखने नहीं आता, कुछ नहीं
तो ना कोई नर्स ढंग से बात करती है, तो यही सारी प्रॉब्लम है। चालू है, आप एक बार ऊपर आके देखो तो आपको खुद को वहाँ पे पता चलेगा। सात नंबर वार्ड में ही है हम लोग। पेशेंट को कितने एक महीने से है वहाँ पे। अगर आपको बोले आप, ये पूरी स्थिति है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। आप लोग अपनी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने राय जरूर रखें। देखते हैं जेके मीडिया, आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।